हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पैरो स्पिरिट। वीकेंड का टाइम है, बारिश का मौसम है, कुछ स्पेशल खाने का मन किसका नहीं करता है। सो आज हम बनाने वाले एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी पनीर पॉपर्स, जो मेरी पर्सनल फेवरेट भी है और बहुत सिंपल भी है बनाने में और बहुत टेस्टी भी है। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर। सो पनीर पॉपर्स बनाने के लिए जो हमको सामग्री लगेगी वो है अप्रोक्सीमेटली एक कटोरी पनीर, उसका आधा क्वांटिटी का स्वीट कॉर्न है जिसको मैंने उबाल के पीस लिया है, और पनीर के जितना ही बॉइल्ड आलू है जिसे मैंने मैश कर लिया है, बाकी स्वाद के लिए हरा धनिया है, हरी मिर्ची है, ब्लैक पेपर है मतलब काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक, बाकी आपको अगर कोई अमचूर वगैरह पसंद है तो आप उसमें वो भी डाल सकते हैं। चलिए अब सबको मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने अभी सारा सामग्री को अच्छे से मिक्स करके इसका मिक्सर बना लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स जैसा बना लेंगे। अब हमने सारे मिक्सर के बॉल्स बना लिए हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो ये है कि मैंने एक कटोरी में मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा या चावल का आटा भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है और उसका ऐसे मैंने ये घोल बना लिया है। और ये जो आप चूरा देख रहे हैं ये या तो आप ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं, जैसे मेरे पास अभी ब्रेड क्रम्स नहीं थे, टोस्ट भी नहीं था, तो मैंने मारी बिस्किट का मिक्सी में थोड़ा सा चूरा बना लिया है, तो इसे भी हम अब यूज कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप ध्यान से देखिए, हर एक बॉल को आपको लेना है, मिक्सर में आप इसे डिप करिए, उसके बाद इसमें अच्छे से रोल करके यहाँ रखेंगे। सारी बॉल्स हमको ऐसे ही तैयार कर लेना है। अगर ब्रेड क्रम्स रहते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी थोड़ा सा लॉकडाउन वाला सीन है, मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसके लिए मैंने बिस्किट का चूरा किया है। इससे होता यह है कि ऊपर की आपकी लेयर बहुत ही क्रिस्प बनती है और अंदर में सॉफ्ट रहता है। गरम गरम खाने का इसका मजा ही कुछ और है। तो अभी मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसे एक एक डाल के हमें इसे तलना है। ध्यान रहे कि तेल अच्छा गरम रहे। तेल अच्छे से गरम रहने से बॉल्स फटते नहीं है। इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होते तक हम तलेंगे। अभी ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, सो अब मैं इसे निकाल लूंगी। पनीर पॉपर्स बन के बिल्कुल रेडी है, प्लेटिंग भी हो गई है। अब हम देखते हैं अंदर से ये कैसा दिख रहा है। सो जैसे आप देख सकते हैं बाहर से क्रिस्प है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। आप इसका आनंद ले सकते हैं हरी चटनी के साथ, या फिर मेरा पर्सनल फेवरेट है वीबा का चीज एलिपेनो सॉस, इसके साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो शेयर भी कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन इज जस्ट राइट हियर। एंड एज अ क्लोजिंग नोट, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।